जहां तक आपने बहन जी की बात की है जी, देखिए बहन जी एक मूवमेंट का पार्ट है जी। बहन जी कोई आम ऐसी मतलब आम वो नहीं है जी, वो एक बहुत बड़े मूवमेंट का पार्ट है जी। वो एक माननीय काशीराम साहब की एक विरासत थी जी, उस विरासत को संभालते हुए जो उन्होंने जो अपने आप को एक मिशन में जी, अपने आप को उन्होंने मिशन में करके किया है जी। वो एक देश के लिए एक आयरन लेडी के नाम से जो मशहूर है जी, वो डिजर्व करती है इस बात के लिए जी। और जहां तक आप मेरी बात कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं जी, मैं उस मेहनत का समाज जी की तरफ से भी आपको बताना चाहूंगा जी कि उस मेहनत का समाज ने जी अपने आंखों से प्रैक्टिकल देखा है जी कि बहन जी के शासनकाल में जी जिस प्रकार से गांव के अंदर अम्बेडकर ग्राम योजना जी, सीसी रोड जी, जो एक कहते हैं कि जिन लोगों ने जिस प्रकार, जैसे कि मैं आपको अभी बताऊं कि आज एक वर्तमान सरकार ने एक ऐसी स्कीम निकाल रखी कि अफोर्डेबल हाउस जी, मकान जी, ये तो मान्यवर काशीराम साहब के नाम से शहरी, मतलब मान्यवर काशीराम साहब शहरी विकास योजना के नाम से बहन जी ने 10 साल पहले सबको एक मकान दे चुकी है, दे चुकी है। ठीक है। आज की वर्तमान सरकार तो इस बात की घोषणा करती है जी, जबकि बहन जी की सरकार तो शहर के लोगों को भी, गांव के लोगों को भी, सबको मकान मुहैया करा चुकी है जी। आप हर डिस्ट्रिक्ट में जाके देखेंगे वहां आपको, वहां पर मतलब पूरी एक पूरा कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स बना हुआ मिलेगा जी। ठीक है जी, आप जितने भी गांव में जाके देखेंगे, गांव के अंदर सीसी रोड मिलेगी जी, जो एक वहां का जो एक बेसिक प्राइमरी शिक्षा का जो ढांचा है जी। ठीक है जी, उस ढांचे को अगर सुधारने का काम किया है तो बहन जी ने काम किया है जी। मैं आपको कुछ योजना ऐसी बताऊंगा जी जो बहन जी ने स्टार्ट की थी जी, जैसे तहसील दिवस जी। तहसील दिवस की एक ऐसी योजना है जो प्रत्येक मंगलवार को, माह के द्वितीय मंगल ट्यूजडे को जी, बाकायदा जिले का जो एक उच्च अधिकारी होता है जी, वो ऑन द टेबल बैठते हैं जी, वहाँ पे अपने लोग अपनी शिकायत लिखाते हैं और शिकायत का मैक्सिमम शिकायतों का निपटारा वही टेबल पर करते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये योजना जो है ये बहन जी के टाइम चली गई है जी। थाना दिवस है जी, सैटरडे के दिन थाना दिवस लगता है जी। थाने के अंदर रिवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं जी, क्षेत्र के जो लोगों की जो समस्याएं होती है जी, वो वहीं पे ऑन द टेबल सुनते हैं, सुन के उनको सॉल्व करते थे जी। ठीक है, इसके साथ साथ बहन जी के टाइम में एक और अच्छी विशेषता ये थी कि प्रत्येक अधिकारी सुबह 10 से लेके 12 बजे तक पब्लिक के लिए अपने दरवाजे खोल कर रखेगा। अरे वो कार्यालय का दरवाजा, तो ये बहन जी के टाइम से था, ये बहन जी कार्यकाल। अच्छा, पर इसकी जानकारियां तो नहीं है कहीं मीडिया वगैरह में भी नहीं आता कहीं? देखिए मीडिया वगैरह में इसमें नहीं आता था, क्योंकि मैं तो आप सब लोगों का धन्यवाद करूंगा कि अब थोड़ा सोशल मीडिया आ गया है जी, तो थोड़ा सा कि गरीब लोगों की आवाज पब्लिक जाने लगी है जी। ठीक है, जबकि पहले जो मीडिया था वो इन चीजों को नहीं दिखा पा रहा था जी, क्योंकि मीडिया में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क बात दिखा चला रहा था। ठीक है, अब हम बहुत ही मतलब आप सब जैसे लोगों का बहुत आभार व्यक्त करेंगे जी कि आपने इन चीजों को कम से कम एक आम पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करी है जी। और विशेषकर आप देखिए जी, जो आजकल लोगों के कहते हैं कि भाई आजकल एक नया कोई एक ऐसा कोई बहन जी का नाम आता है तो एकदम ऐसा करते हैं बहन जी ने क्या कर दिया जी। आप देखेंगे मेडिकल क्षेत्र में जी और विश्वविद्यालय के क्षेत्र में जी जितना काम बहन जी के टाइम में हुआ है आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। अच्छा जी, हाँ अभी आप देखिए आपका जो पास का जो जिला है गौतम बुद्ध नगर जिला जी, जी गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी हुई है जी। आप देखेंगे यूनिवर्सिटी एक बिल्कुल वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनी हुई है जी। उन्हीं के साथ साथ में बिल्कुल बराबर मान्यवर काशीराम साहब के नाम से मेडिकल कॉलेज बना हुआ है जी, जो बहन जी के द्वारा बनाया हुआ है जी। और दो मतलब प्राइमरी से लेके हाई मतलब इंटर तक के स्कूल जी, गौतम बुद्ध बालक स्कूल, पंचशील बालिका स्कूल जी, जिनको आप देखेंगे तो उनके सामने प्राइवेट स्कूल भी फेल है। बारे में बहुत बात बताइए, आप भीम आर्मी को भी समर्थन करते हैं और बहन कुमारी मायावती जी को भी समर्थन करते हैं, ठीक है ना? और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 2019 के इलेक्शन भी बहुत नजदीक है, आप एक समाज सेवी भी हैं और हर एक मंचों को भी साझा करते हैं और बहुजन समाज की बात को अच्छे से बढ़ चढ़ कर भी बोलते हैं, तो
2019 के इलेक्शन भी नजदीक है तो क्यों ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जैसे हार्दिक पटेल हो गए ठीक है ना, और जिग्नेश मेवानी जी हो गए और भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी हो गए, तो बहुजन समाज को मेन लीड अगर पावर देने का काम ये चेहरे भी कर सकते हैं तो क्यों नहीं इन दोनों का गठबंधन करा जाए और किस तरीके से इनकी जोड़ा हो सकता है? देखिए सर, इसके ऊपर आप एनालिसिस क्यों नहीं करते? नहीं देखिए सर, मेरा कहना ये है, मेरा अपना मानना ये है जी कि यदि बहुजन सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उनके सशक्तिकरण के जो एक फॉर्मेट है जी, उसमें हमारे सामने मान्यवर साहब से बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है जी, मान्यवर साहब ने हर समाज का एक लीडर दिया है जी, उन लीडर को स्थापित किया है बाकायदा जी। तो ये तो जो हमारे जो आजकल जो आप बात कर रहे हैं कि बहन जी का, चंद्रशेखर जी का, हार्दिक पटेल जी का, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता बोलती है इस तरीके, मैं जनता की तरफ से ये सवाल पूछ रहा हूँ। जो आज जो हमारे बीच में जो अगर कोई हार्दिक पटेल जी हो, जिग्नेश मेवानी हो जी, या चंद्रशेखर आजाद जी हो जी, या अपना एक बहुजन समाज पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है जी, इनको क्या है कि सबको जो है अगर बहुजन समाज के लिए अगर मतलब स्तंभ मतलब खड़ा करना है जी, तो उसके लिए अपना निजी हित छोड़ना पड़ेगा सर जी। उसके लिए हमारे पास सामने काशीराम साहब से बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता जी, क्योंकि माननीय साहब ने लीडरशिप डेवलप की है जी। अगर कोई भी व्यक्ति समाज में आके जी ये कहेगा मैं लीडर हूं तो उस साहब की आइडियोलॉजी को खराब नहीं कर सकता जी, क्योंकि जो हमारे बहुजन समाज में जितने भी अभी तक हमारे महापुरुष हुए हैं जी, ज्योतिबा फुले हुए हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं जी, सभी के बीच में सभी के समाज से अगर मतलब एक लीडरशिप निकालने का काम कार्य किया है तो माननीय काशीराम साहब ने किया है, जिन्होंने एक बहुत ही मतलब एक सशक्तिकरण के तहत एक बहुजन समाज पार्टी का गठन किया जी, और जो जिन्होंने बिल्कुल एक ये मानिए कि बिल्कुल मील का पत्थर स्थापित किया जी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में एक सरकार भी बनाई जी, सरकार बना के मुंह चलाई जी। और यदि कोई व्यक्ति ये कहते हो कि मैं लीडर बन के साहब की तरह काम करूंगा जी, तो वो शायद समाज को नहीं, वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं जी, वो समाज को नहीं धोखा दे, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं जी, क्योंकि स्वयं आदमी अपने अपने लिए काम करके समाज को देना चाहे वो पॉसिबल नहीं है जी।